तीन योगासन साधन करें इसको उससे बैठ सकते हैं हम। एक तो मान लीजिए पद्मासन है। पद्मासन क्या है? जिस जो पद्मासन में बैठ सकते हैं, लेकिन पद्मासन कठिन होता है, सबके लिए सुविधा नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। दूसरा जो है सिद्धासन, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, जिसको सिद्धासन पसंद है, जो अच्छी तरह बैठ सकते हैं, सिद्धासन भी आप में आप बैठ सकते हैं। तीसरा जो है सुखासन, सुखासन माने जो आराम वाला आसन, हम सब अभी सुखासन में बैठे हैं। बहुत साधारणता बैठोगे ना, हम ऐसे ही बैठते हैं, जैसे बैठे हैं वही हमारे लिए ध्यान के लिए अच्छा है। और ये क्या है, ये जो आप ध्यान के लिए जो आसन जिस योगासन में हम बैठे उसको बोलते हैं, वो स्थिर होके ज्यादा समय तक हम बैठ सकते हैं, वही हमारे लिए ध्यान का आसन। स्थिर सुखम आसनम ऐसे योग सूत्र में आता है। तो स्थिर होके और सुख से आराम से हम ध्यान पर बैठ सकते हैं ज्यादा समय तक, क्योंकि धीरे धीरे हमको ध्यान का समय बढ़ाना है, क्योंकि ज्यादा सुख ध्यान अगर समझेंगे तभी ये हम भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं। स्वामी शिवानंद महाराज ने भगवान का साक्षात्कार किया था, भगवान का दर्शन हुआ था उनको, आप जानते हैं कितना वो ध्यान करते थे। वो ध्यान करते थे, पहले तो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने शुरू किया, उसके बाद 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटे, ये सब ऐसे करते स्वामी महाराज ऐसे करते थे ध्यान। और कभी कभी ऐसे अपने को कमरे के अंदर बाहर से ताला लगा के अंदर बैठ के वो ध्यान करते थे 3-4 दिन, 1 हफ्ता ऐसे बैठ के।